मथुरा के डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। आगरा की रहने वाली बीडीएस प्रथम वर्ष की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली वृंदावन इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने केडी डेंटल कॉलेज में उस समय सनसनी फैल गई जब यहां के गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज में रह रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आगरा की रहने वाली बीडीएस प्रथम वर्ष की छात्रा कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 300 में रह रही थी। बुधवार की सुबह जब उसकी रूममेट ने आकर कमरा खोला तो रूम का दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद उसने हॉस्टल वार्डन और अन्य छात्रों को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे छात्रों और कॉलेज के स्टाफ ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर अनुष्का फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। छात्रा के फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अनुष्का के आत्महत्या किए जाने की सूचना उसके परिवार को दे दी गई। सूचना पाकर आगरा कमला नगर के रहने वाले अनुष्का के पिता वह उसके परिजन के साथ पोस्टमार्टम घर पहुंच गए जहां वह बेटी की आत्महत्या किए जाने से आहत नजर आए। केडी डेंटल कॉलेज में छात्रा की आत्महत्या किए जाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल पुलिस को अनुष्का के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अनुष्का के आत्महत्या किए जाने के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। ये बच्ची की डेथ हुई है, कौन लगती है आपकी? ये हमारे भतीजी की भतीजी मान। क्या घटना हुई थी उसके साथ? क्या घटना हुई है? ये तो कॉलेज में हुई है जी। कौन से कॉलेज में पढ़ती थी ये? केडी डेंटल। क्या हुआ? ये नहीं मालूम पड़ा। रात को इस तरह से उसने खाना खा करके सोई है, लेकिन ये सुबह जो उसका मालूम पड़ा है कि वो पंखे से लटकी हुई है। तो आपको सूचना कॉलेज द्वारा दी गई थी? कॉलेज द्वारा। क्या लगता है आपको, क्या उसने सुसाइड किया है या कह नहीं सकते इसके बारे में तो कुछ नहीं? यहाँ हमारी पुलिस की वहाँ पे गई थी, पूरा उसको देखा है। लड़की बीडीएस की स्टूडेंट थी और पंखे से लटक करके उसने सुसाइड किया है। पिछले एक सप्ताह से ऐसा बताया जा रहा है कि वो परेशान थी। मोबाइल के आधार पर हम कॉल डिटेल निकालेंगे क्या मामला है। मदर फादर उनके आ गए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। अगर कोई ग्रीवांस है, कोई कंप्लेन है या कोई क्रिमिनल का मामला है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने फादर को कहा है कि आप तहरीर दें और कानूनन कार्रवाई करें।